सो हाय गाइस, दिस इज मी ममता सचदेवा विद ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और इसी प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने बात की है कि कैबिन क्रू बनने के 5 फायदे क्या हैं, तो आई एम श्योर यू गाइस बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि आज तक मैंने अपने चैनल के ऊपर कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं की है किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन जो अभी मैं आपको कैबिन क्रू बनने के डिसएडवांटेजेस भी बता रही हूँ, वो बीइंग ऑनेस्ट बता रही हूँ, एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, और वो एक जेन्युइन चीज़ें हैं जो आई थिंक किसी भी प्रोफेशन में जब आप काम करते हैं तो उसके फायदों के साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं। तो जस्ट टू मेक यू अवेयर, आई एम नॉट टेलिंग यू हेट दिस जॉब और कैटेगराइज दिस जॉब ऑन बेसिस ऑफ दीज 5 थिंग्स, डोंट डू दैट। लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा सा मैं इसका इनसाइट देने के लिए कि हम लोग क्या क्या चीज़ें सफ़र भी करते हैं। तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। मेरा नंबर 1 है, मेरी तरफ से जो मुझे लगता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि कैबिन क्रू बनने का डिसएडवांटेज है कि आप बहुत ज़्यादा जब ट्रैवल करते हो डे नाइट, तो आपकी जो बॉडी है उसका एक सर्कल और जो एक आपकी बॉडी का जो टाइम टेबल होता है वो थोड़ा सा बिगड़ने की वजह से आप जल्दी थोड़ा सा सिक हो जाते हो लोगों से कंपेयर टू अदर्स। तो जैसे फीवर है या जुकाम है, या मैं ये कह सकती हूँ कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी, जैसे यहाँ से हमने फ्लाइट लिया, गर्मी है, दूसरी कंट्री में गए वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो वो बॉडी कभी कभी उसको कोऑपरेट नहीं कर पाती जेट लैग होने की वजह से, या बॉडी वीक होने लग जाती है थोड़ी सी, तो आप दूसरे लोगों के मुकाबले थोड़ा सा जो सिकनेस है आपको जल्दी पकड़ लेती है। तो अगर आप कैबिन क्रू हो और ये चीज़ आपको पता है कि ये इस चीज़ का डिसएडवांटेज है, तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं कि आप अपना ख्याल अच्छे से रख सकते हैं, आप विटामिन अच्छे से ले सकते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन ये चीज़ सच्चाई है कि कैबिन क्रू नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा बीमार पड़ते हैं कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह भी होते हैं एयरक्राफ्ट में, या जैसे दूसरे लोग हमारे सामने होते हैं, कोई छींक रहा है कुछ है, तो उनके भी जो कीटाणु होते हैं जो भी है वो बहुत जल्दी फैलते हैं और हमें कैच कर लेते हैं। तो आई थिंक दीज कैन बी सम ऑफ द रीजंस कि हम नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो ये था नंबर 1 डिसएडवांटेज। उसके अलावा सेकंड जो है, डेफिनेटली लैक ऑफ स्लीप। जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में बहुत बार बोलती हूँ, कभी कभी मैं यहाँ से चलती हूँ मॉर्निंग में और मैं रात को सोई भी नहीं होती ढंग से, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है तो नींद नहीं आती, टेंशन में कि सुबह जाना है, कितने पैसेंजर्स होंगे, कितने बजे की फ्लाइट है, तो थोड़ा दिमाग में चलता रहता है। एंड बाय द टाइम हम पहुँचते हैं, यहाँ दिन में चलते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं, टाइम डिफरेंस की वजह से वहाँ भी दिन होता है तो वहाँ पे सोया नहीं जाता, या ये कह लो जो वहाँ पे हमें रेस्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोगों की जो नींद है बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस होती है। तो एक लैक ऑफ स्लीप दूसरा डिसएडवांटेज रहता है कैबिन क्रू बनने का। सो नंबर 3, सोशलाइजेशन जो हमारी है कैबिन क्रू की, वो थोड़ी सी इनबैलेंस रहती है। जैसे नॉर्मल लोग मैं देखती हूँ यहाँ पे, हमारे यहाँ पे यूएई में फ्राइडे सैटरडे लोगों के ऑफ रहते हैं, तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है आप लोग बहुत सारे प्लान बना सकते हो कि ओके फ्राइडे सैटरडे को हम ये करेंगे, अच्छा आप हमारे घर आ जाना, हम आपके घर चले जाएंगे, या बहुत सारे फ्रेंड्स लोग बना लेते हैं एंड ऑल दैट। तो उसमें उनका एक रूटीन रहता है कि उन्होंने मॉर्निंग टू इवनिंग काम करना है, शाम को आके सोना है, फ्राइडे सैटरडे उनकी एक किसी के साथ सोशलाइजेशन है एंड ऑल दैट। लेकिन हमारे केस में क्या रहता है, हमारी छुट्टियां ठीक ठाक रहती हैं लेकिन सब उल्टे उल्टे दिनों में रहती हैं, तो जब कभी कभी हमारी छुट्टी होती है तो जो हमारे सर्कल वाले हैं उनकी छुट्टी नहीं होती है, तो या तो हम कैबिन क्रू सोशलाइज करें आपस में, लेकिन अगर बाहर किसी नॉर्मल रूटीन वाले के साथ हमें सोशलाइज करना होता है तो वो हमारी रूटीन को, हमारी जॉब को समझ ही नहीं पाते हैं, बिलीव मी। तो कभी कभी उनके साथ सोशलाइजेशन करना या उनको अपना पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि क्यों हमें तुमसे ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, और क्यों आप बिना नोटिस दिए मेरे घर नहीं आ सकते, या क्यों आप मेरा फ़ोन पर बार बार फ़ोन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कैबिन क्रू हूं और मेरे टाइमिंग्स उल्टे पुल्टे हैं काम के, और मुझे बहुत ज्यादा स्लीप की और रेस्ट की जरूरत पड़ती है, और मैं रेगुलरली आपसे इसलिए नहीं मिल पाती हूं क्योंकि फ्राइडे सैटरडे को मेरी हर बार छुट्टी नहीं होती है। सो दिस इज द थर्ड आई थिंक डिसएडवांटेज वी हैव बीइंग अ कैबिन क्रू मेंबर। 4th, जो बहुत लोग सफ़र करते हैं, जो सिर्फ कुछ लोग आपने अगर देखा होगा वो अपने आप में मस्त रहते हैं, वो क्या करेंगे, वो काम पे आएंगी कैबिन क्रू, अपना काम करेंगी, होटल रूम में भी जाएंगी तो वो बाहर नहीं निकलेंगी, सारा दिन उसमें कमरे में अकेली रहेंगी, वापस आ जाएंगी फ्लाइट से, अपने घर में आके बैठी रहेंगी। तो लोग क्या होता है, अपने आप में इतना रहना शुरू हो जाते हैं, कुछ एक लोग, सब नहीं, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो अपनी ही एक अलग दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो लोगों से कट जाते हैं,
क्योंकि वो फ्लाइट में इतने सारे लोग उनके सामने हमेशा रहते हैं, तो उनको अपने फ्री टाइम में होता है कि मुझे कोई नहीं दिखे, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे मॉल नहीं जाना, मुझे फ्रेंड सर्कल नहीं बनाना। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े खतरनाक हो जाते हैं अपने लिए, क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। नॉट ऑल गाइज, आई एम नॉट डूइंग दैट। आई गो आउट, आई मीट पीपल, आई टॉक टू देम, आई ट्राई माई बेस्ट, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये था नंबर 4। तो नंबर 5 जो मेरी लिस्ट में मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करना, डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग केबिन क्रू इज कि बहुत ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी। अगर कोई 18 इयर्स की लड़की या 19 इयर्स का लड़का या कोई भी अगर केबिन क्रू आप बनते हो, तो जो एविएशन है इज वेरी वेरी डिमांडिंग। तो आपको जब ऑन जॉब जाते हो तो पैसेंजर्स को आपको फेस करना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना पड़ता है, और कभी कभी बहुत बुजुर्ग लोग आपके सामने होते हैं जो कोई ऐसी बदतमीजी वाली बात कह देते हैं या जो आपके बर्दाश्त से बाहर होती है, फिर भी आपको उसको सुन के बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो एक केबिन क्रू मेम्बर संभालते हैं फ्लाइट के ऊपर, सेफ्टी सिक्योरिटी हो गया या पैसेंजर्स हो गए या सर्विस रिलेटेड हो गया। तो एक्चुअली केबिन क्रू बनना अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है। इट्स अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जब केबिन क्रू बन जाते हैं, उनका सपना भी होता है, लेकिन वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते और वो गिव अप कर देते हैं। तो मेरी तरफ से, मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग, ये था नंबर 5 डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग केबिन क्रू, दैट इट्स अ टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग केबिन क्रू। एंड यंग एज में जो बनते हैं या जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जो बिल्कुल नए फ्रेश कॉलेज से निकलते हैं, तो कभी कभी वो इतना स्ट्रेस और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते। सो एनीवेज गाइज, थैंक यू सो मच मेरी आवाज़ को सुनने के लिए और सबके साथ शेयर करने के लिए। और जो भी मैं आपसे इतनी बातें शेयर करती हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद एनीबॉडी। ये मेरे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी बताती हूँ, मेरे अपने सोच के या अपने एक्सपीरियंस के बल पे बताती हूँ। सो एनीवे, थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।